आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप सिटी यूनियन बैंक की मोबाइल बैंकिंग घर बैठे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी तरीके से ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको डेबिट कार्ड का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि सिटी यूनियन बैंक की नेट बैंकिंग में कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है, इसका इस्तेमाल करना है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि आप सिटी यूनियन बैंक की मोबाइल बैंकिंग घर बैठे कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे इसमें आप लॉगिन करके इसका इस्तेमाल करेंगे। बने रही इस वीडियो में तक। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सिटी यूनियन बैंक की मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करने के लिए आपको सिटी यूनियन बैंक का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है, CUB मोबाइल बैंकिंग प्लस। ये मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसे आप ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। जब हमने अकाउंट ओपन किया था या फिर अगर आप ब्रांच से भी अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको कस्टमर आईडी मिल जाती है और जो आपका एम पिन होता है, ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया तो एम पिन भी आप सेट कर लेते हैं। अगर आपका ब्रांच से अकाउंट ओपन हुआ है तब यहाँ पर आपको सेट रिसेट एम पिन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे, अगर डेबिट कार्ड नहीं है तो आई डोंट हैव डेबिट कार्ड करेंगे। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी डालनी है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ब्रांच मिल जाएगा तो यहाँ पर अपना ब्रांच का नाम लिखेंगे तो आपका ब्रांच आ जाएगा, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेबिट कार्ड नहीं है तब आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड का नंबर डालना है। तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आप अपना ईयर चूज करेंगे कि आपका ईयर कौन सा है। ऐसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका ईयर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही आपको मंथ चूज कर लेना है और यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर देना है तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर फैसिलिटी रिक्वायर्ड आ जाएगा, क्या क्या आप फॉरगेट करना चाहते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड या फिर ट्रांजेक्शन पासवर्ड एम पिन। तो यहाँ पर जो जो फॉरगेट करना चाहते हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड, ये आपका नेट लॉगिन पासवर्ड तो आपका नेट बैंकिंग के लिए होता है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड जब आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तब के लिए होता है। यहाँ पर एम पिन बस टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा और ईमेल आईडी पर भी OTP सेंड किया जाएगा। नंबर पर जो OVC OTP आईडी भेजा जाएगा वो आपको ऊपर डालना है और जो नीचे आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा तो यहाँ पर जैसे ईमेल ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे ईमेल पर भी आ गया है। तो यहाँ पर नीचे साइड आप ईमेल पर डालेंगे, उसके बाद यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो ये आपका डिटेल्स वेरीफाई होगा। अब यहाँ पर आपको एम पिन सेट करना है, 4 डिजिट का आप अपने मन से एम पिन सेट करेंगे। यहाँ पर रिटाइप्ड करेंगे, नीचे कुछ नोट बताया गया है कि आपका एक सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए, जो प्रीवियस आपने एम पिन सेट किया है वो भी मैच नहीं होना चाहिए। बाद यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका एम पिन सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओके कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है, हमारी यूज़र आईडी है 6134873, ये डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप एम पिन डालेंगे जो आपने अभी एम पिन सेट किया है। जैसे आप एम पिन डालेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आप सिटी यूनियन बैंक की मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। होने के बाद कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा, सबसे ऊपर यहाँ पर आपका अकाउंट का डिटेल रहेगा, आपके अकाउंट पर कितना बैलेंस है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना अकाउंट का स्टेटमेंट वगैरह निकाल सकते हैं। देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जो भी आपके अकाउंट पर ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे, एम पासबुक आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्विक लिंक्स मिल जाएगा, यहाँ से आप UPI रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, SBI रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फास्टैग है तो फास्टैग का रिचार्ज करवा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं, आपको म्यूचुअल फंड वगैरह मिल जाएगा। स्क्रॉल करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप वैलेट रिचार्ज कर सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट रिचार्ज, बिल पेमेंट या फिर NEFT ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे साइड आपके देखेंगे तो आपको रिचार्ज बिल पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट ई डिपॉजिट पर क्लिक करके यहाँ से आप ई डिपॉजिट यानी आप एक डिपॉजिट अकाउंट या फिर RD अकाउंट ओपन करवाना है तो यहाँ से करवा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर FD अकाउंट और RD अकाउंट मिल रहा है, जो भी अकाउंट आप यहाँ से ओपन करवाना चाहते हैं यहाँ से ओपन करवा सकते हैं ऑनलाइन। बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको भारत QR मिलेगा, किसी के QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है तो यहाँ से आप किसी के QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। सकते हैं स्कैन करने के लिए आ गया है, यहाँ पर आप सभी तरीके के स्मार्टफोन के QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको कार्ड्स का ऑप्शन मिलेगा, कार्ड्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं।
यहाँ पर सेलेक्ट द कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट से जो भी डेबिट कार्ड लिंक रहेगा एटीएम कार्ड आपका आ जाएगा। यहाँ गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके डेबिट कार्ड की डिटेल आ जाएगी, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो भी। यहाँ पर जैसे हमारा ई कॉमर्स अभी यहाँ पर ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं है, इसको आपको ऑन करना है तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट ऑन करना है तो यहाँ से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट ऑन करेंगे, यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे कितना अमाउंट आप ऑन करना चाहते हैं, उसके बाद नीचे साइड आएंगे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पर पहले आप एम पिन डालेंगे, यहाँ पर एम पिन डालेंगे और यहाँ पर सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओ टी पी जाएगा, उस ओ टी पी को आपको यहाँ पर डालना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे आप कन्फर्म करेंगे तो आपके कार्ड का लिमिट सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टैग रिचार्ज मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, रिचार्ज बिल पेमेंट वगैरह मिल जाएगा। नीचे आएंगे आपको वेल्थ मैनेजमेंट, ई डिपॉजिट, भारत क्यूआर, कार्ड्स का ऑप्शन मिलेगा, कार्ड्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी डेबिट कार्ड आपके अकाउंट से लिंक रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। सेलेक्ट द कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं हमारा डेबिट कार्ड आ गया। गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड की डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको थ्री लाइन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं, जैसे अकाउंट सर्विस, ट्रांसफर, यहाँ ट्रांसफर पर क्लिक करके यहाँ से आप किसी को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होगा, मैनेज पे पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पहले आप एक पे ऐड करेंगे, जैसे ही आप पे ऐड आपका ऐड हो जाएगा एक घंटे के बाद जिसको भी आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। ई डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप एफडी आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या फिर क्लोज करवाना है तो क्लोज करवा सकते हैं। लोन इन्वेस्टमेंट वगैरह की जानकारी ले सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपका कोई फीस वगैरह है तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करके यहाँ से आप चेकबुक इशू करवा सकते हैं, एम पासबुक यहाँ से चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव पे मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे अगर आपको कोई चेक आपने इशू किया है इसको स्टॉप करना है तो उस पेमेंट को आप स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप सिटी यूनियन बैंक की मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं Nilesh094, या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।